नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वाराणसी के भाजपाई करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों का बहिष्कार। जिला पंचायत की दो समिति के निर्वाचन पर 3 जिला पंचायत सदस्यों ने जताया विरोध, बिना सहमति के समिति में नाम डालने का लगाया आरोप। वाराणसी के दीनदयाल चौक पर लगे एक फ्लैक्स में लगी फोटो को लेकर भाजपा कार्यकर्ता और विधायक जायसवाल के समर्थकों में हुआ विवाद। पत्रकारों ने किया विधायक गौरीशंकर बिसेन की पत्रकार वार्ता का बहिष्कार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों का भी बहिष्कार करेंगे पत्रकार। एशिया कप 2022 वर्तमान में प्रारंभ है, जिसका जुनून क्रिकेट प्रेमियों में भारी देखने को मिल रहा है। एशिया कप की जहां बात आती है तो उसमें भारत और पाकिस्तान का मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही विशेष होता है। इस मैच को लोगों के द्वारा बहुत ही रोचकता के साथ देखा जाता है। रविवार को खेला गया भारत पाकिस्तान का मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए विशेष रहा। लोगों ने इसके लिए समय निकालकर टीवी के सामने जुट गए और पूरे क्रिकेट का आनंद उठाया। वहीं नगर के कालीपुतली चौक में एलईडी स्क्रीन पर क्रिकेट मैच देखने की विशेष सुविधा पद्मेश 24/7 के द्वारा की गई थी, जिसका क्रिकेट प्रेमियों ने भारी लुत्फ उठाया। लोग शाम से ही एलईडी स्क्रीन के सामने नजर गड़ाए रहे। जैसे जैसे रन बनते या चौके छक्के पड़ते, लोग खुशी से उसका अभिवादन करते दिखाई दिए। यहां तक कि लोगों के द्वारा वंदे मातरम के नारे तक लगाए गए। यह कहे कि लोगों में देशभक्ति की भावना भी जागृत हो गई और लोगों ने मैच के अंतिम समय तक स्क्रीन के सामने जुटे रहकर पूरा मैच का लुत्फ उठाया। नॉर्थ पहले दिए जानते हैं कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं। बढ़िया टेम्परमेंट है इस गेंदबाज का। पाकिस्तान प्रेशर का टेस्ट आज इनका होगा। तो दूसरे मुकाबले में भारत की इक्विटी में इन्वेस्टर जो जिला पंचायत बालाघाट में स्थायी समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया 3 सितंबर को की गई। यह निर्वाचन प्रक्रिया काफी हंगामेदार और विवादों में रही। जिला पंचायत में देर शाम को स्थायी समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा आपत्ति जताई गई। इसमें आपत्ति 3 जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा दर्शाई गई। जिला पंचायत सदस्यों का कहना है कि वे लोग समिति के निर्वाचन के दौरान मौजूद ही नहीं थे, फिर उनका नाम समितियों में कैसे डाल दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के निवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य डाली कावरे, प्रियंका परते और रविकांता बोरकर के द्वारा बताया गया कि वे लोग स्थायी समितियों के निर्वाचन के दौरान मौजूद ही नहीं थे, फिर भी उनका नाम उनके बगैर सहमति के समितियों में डाल दिया गया। अपनी बात रखते हुए जिला पंचायत सदस्य सुश्री डाली कावरे ने बताया कि 3 सितंबर को जिला पंचायत में स्थायी समिति का गठन हुआ। सभापति समिति के लिए वोट किए गए, जिसमें कांग्रेस को 12 और भाजपा को 14 से 15 वोट मिले। उसको देखते हुए हमें समझ में आ गया कि हमारा कोरम तैयार नहीं होने वाला है,
हमारी समिति नहीं बनने वाली है, इसलिए कांग्रेस के सभी 12 सदस्य वहां से चले गए। जिसके बाद वहां मौजूद भाजपा के लोगों के द्वारा बारी बारी से अपनी समिति का गठन किया गया। हमारी बिना सहमति के, बिना किसी राय सुमारी के जैव विविधता प्रबंधन समिति में डाली कावरे और प्रियंका परदे का नाम डाला गया। उसी प्रकार शिक्षा समिति में रवि कांता बोरकर का भी नाम डाल दिया गया। पहली बार ऐसा देखने को भी मिला कि सदस्य की बिना सहमति के समिति बनाई गई हो। समिति बनाने के लिए कोरम पूरा होना चाहिए, तभी समिति गठित होती है। सदस्यों की कमी होने पर हमारा नाम शामिल किया गया। हम यही चाहते हैं कि चुनाव स्थगित की जाए। देखिए भैया, जैसा कि आप सब लोगों को भी मालूम है कि कल जिला पंचायत में स्थानीय समितियों का गठन हुआ, जिसमें सबसे पहले समिति थी हमारी कृषि सभापति समिति, जिसमें हम लोगों ने वोट किया तो जिसमें कांग्रेस को 12 मत पड़े और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को 14 से 15 मत पड़े। हमें समझ में आ गई कि हमारा कोरम तैयार नहीं होने वाला है, हमारी समिति नहीं बनने वाली है, इसलिए हम सारे के सारे 12 लोग हम लोग वहाँ से निकल पड़े। इस बीच में उन्होंने बारी बारी से अपनी समिति का गठन किया, जिसमें उन्होंने हमारी बिना किसी रायशुमारी के, बिना किसी सहमति के जैव विविधता एक समिति होती है, उसमें मेरा खुद का नाम डाली कावरे और प्रियंका परते जी का नाम उसमें डाला गया। उसी प्रकार शिक्षा समिति में रविकांता बोरकर जी का भी नाम डाला गया, इन्हें भी नहीं मालूम है। इस टाइप से उन्होंने काम किया। आपत्ति किस बात की है? समिति में नाम आना तो अच्छी बात है। देखिए, जनरली होता ही है कि ऐसा कोई चुनाव नहीं होता जिसमें सदस्य की कोई सहमति नहीं होती। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि बिना किसी सदस्य की सहमति के बगैर उनको ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मैं भी अब मेरा सेकंड टर्म है तो मैं जानती हूँ कि पिछले टाइम भी सभापति के जो चयन हुए थे उसमें सारे लोग एक सिस्टम होता था कि पूरे सदस्य उसमें एक कोरम पूरा होना चाहिए था। इस बीच में उनके पास में 3 सदस्यों की कमी पड़ी तो उन्होंने अपना कोरम तैयार करना होता है तो उन्होंने जबरदस्ती ये हम तीनों को अपने सभापति के उसमें सदस्य बनाया, जिससे उनका पूरा फाइनल। क्या चाहते हैं आप लोग अब? हम तो यही चाहते हैं कि पुनः चुनाव स्थगित हो जाए ताकि 2 सभापतियों पर पुनः चुनाव हो। अभी एक मामला आया है वाराशिवनी पूरा जिसमें पीठासीन अधिकारी मरकाम जी थे और वही मरकाम जी कल भी पीठासीन अधिकारी बनकर आए थे। हम तो पूरा ब्लेम पीठासीन अधिकारी पर भी लगाना चाहते हैं कि बिना किसी सदस्य के रायशुमारी के उन्होंने इतना बड़ा काम कैसे उठाया। आपको बताया कि जिला पंचायत बालाघाट में शनिवार को स्थायी समिति के एवं सभी समितियों के सभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया की गई। जिला पंचायत के स्थायी समिति के चुनाव से कांग्रेस एक गुट के द्वारा बायकॉट कर दिए जाने से कांग्रेस समर्थित श्रीमती केशर बिशन गुट के 4 और बीजेपी समर्थित 2 सदस्यों को सभापति बनाया गया। बिजली गुल होने के कारण करीब 4 घंटे तक चुनाव प्रक्रिया बाधित रही और रात्रि 8 बजे के पश्चात स्थायी समिति के निर्वाचन की प्रक्रिया की गई। दूसरे पक्ष का यह आरोप है कि समितियों के निर्वाचन के लिए एक निर्धारित टाइम शेड्यूल होता है, उस टाइम शेड्यूल से हटकर निर्वाचन की प्रक्रिया कराई गई। यह कहीं ना कहीं संदेह को जन्म दे रहा है। लालबरा नगर मुख्यालय के हाईस्कूल मार्ग स्थित मंडी कॉम्प्लेक्स परिसर में लालबरा विकास खंड के सबसे पुराने श्री गणेश नवदुर्गा उत्सव गंज समिति के द्वारा गत 31 अगस्त को भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजित कर गणेश उत्सव पर भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव पर्व की पंचमी पर 4 सितंबर को जस गायन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरस्वती महिला मंडल बेलगांव की महिलाओं के द्वारा भगवान श्री गणेश के गीतों का गायन किया गया, जिसे पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। श्री गणेश नवदुर्गा उत्सव गंज समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि गत दिवस भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजित कर गणेश उत्सव पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन सुबह शाम आरती की जाती है, जिसमें श्रद्धालुजन पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं एवं अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन संयुक्त मोर्चा की बैठक रविवार की दोपहर में नगर के MLB स्कूल में आहूत की गई, जिसमें पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष BL चौधरी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 5 सितंबर को बालाघाट जिले में आगमन हो रहा है
उनके आगमन पर ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे उनके समक्ष रखनी है। पेंशनर की जो मांगे हैं उनमें पेंशनर मानसिक रूप से बहुत ही परेशान है। नियमित कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और पेंशनर को मात्र 22% महंगाई राहत दी जा रही है। पेंशनर्स की मांग है कि हमें भी नियमित कर्मचारियों के समान राहत दी जाए। क्या है सर, बालाघाट में, बालाघाट जिले में हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का बालाघाट आगमन हो रहा है और आगमन होने के कारण हम जो पेंशनर हैं हम अपनी उनके सामने मांग प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मांग हमारी एकदम जायज है क्योंकि हमारा जो पेंशनर है वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है। नियमित कर्मचारियों को 34% महंगाई राहत दिया जा रहा है और पेंशनरों को मात्र 22% दिया जा रहा है। तो हम सभी पेंशनरों की मांग है कि भाई नियमित कर्मचारी के समान हमको भी 34% महंगाई राहत दिया जाए। और उसके साथ मांगे हमारी है कि जैसे इनकम टैक्स के दायरे से हमको दूर रखा जाए। जिस प्रकार के विधायक सांसद इन लोगों को इनकम टैक्स नहीं लगता है, उसी प्रकार पेंशनर हैं उनको भी इनकम टैक्स से बाहर रखा जाए। और तीसरी मांग हमारी सर कि 49(6) इसको हटाया जाए। झारखंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये जब बने थे उस सभी राज्य में 49 नहीं चलता। नियमित कर्मचारियों का जैसे बढ़ता है वैसे भी हमारा भी अंतिम राहत बढ़ना चाहिए। बाकी राज्यों में ऐसा होता नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ का बहाना लेके मध्य प्रदेश सरकार पेंशनरों को नियमित कर्मचारी के समान। पुरानी पेंशन बहाली, कर्मोन्नति एवं वरिष्ठता का ध्यान रखे जाने आदि प्रमुख मांगों को लेकर राज्य शिक्षक संघ के द्वारा विगत लंबे समय से ज्ञापन के माध्यम से विरोध दर्शाया जा रहा है। राज्य शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के द्वारा रविवार को बैठक आहूत की गई और निर्णय लेते हुए इसके विरोध में मध्य प्रदेश के समस्त विकास खंडों में सोमवार को राज्य शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में ज्ञापन दिए जाने का कार्यक्रम बनाया गया। बैठक के दौरान राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव देवेंद्र तिवारी ने बताया कि राज्य शिक्षक संघ के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली और कर्मोन्नति आदेश आज तक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी नहीं किए गए। साथ ही वे लोग वर्ष 1998 से कार्यरत कर्मचारी हैं, लेकिन शासन हमें वर्ष 1998 से कार्यरत न मानते हुए वर्ष 2018 में हमारी नियुक्ति मान रहा है। इसके विरोध में सोमवार को मध्य प्रदेश के समस्त विकासखंड में राज्य शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन दिया जाएगा। फिर भी मांग पूरी नहीं होती है तो जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर 2 अक्टूबर को प्रदेश के हजारों लाखों कर्मचारी पेंशन, कर्मोन्नति व वरिष्ठता की मांग को लेकर भोपाल में आंदोलन किया जाएगा। राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा कल शिक्षक दिवस के से यानी 5 सितंबर से जो है पूरे मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली और हमारे जो वर्षों से क्रमोन्नति जो नियम से हमें मिलनी चाहिए थी उसकी मांग को लेकर, क्योंकि क्रमोन्नति आदेश आज तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। साथ ही हमें 1998 से वरिष्ठता का जो मुद्दा जो है, क्योंकि चूँकि हम लोग 1998 से कार्यरत कर्मचारी हैं और मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य शिक्षा सेवा के तहत जो है हम लोगों को 1998 से न मान के 2018 से जो हम लोगों को नियुक्ति मान रही है, इसके विरोध में कल से मध्य प्रदेश के समस्त विकास खंडों में हमारे राज्य शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में ज्ञापन दिया जाएगा। और यदि शीघ्र मांग पूरी नहीं हुई तो जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे 2 अक्टूबर को प्रदेश का हजारों लाखों कर्मचारी पेंशन की मांग को लेकर, वरिष्ठता एवं क्रमोन्नति की मांग को लेकर के भोपाल में आंदोलन करेगा। मैं जिले के और प्रदेश के समस्त साथियों से अपील करता हूँ कि कल अपने अपने विकास खंडों में एकत्र होकर के कल मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपे। अभी तक तो हमारे साथ में छलावा ही करते किया जा रहा है, चाहे कोई भी सरकार आई, इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार थी उसने भी छलावा की, निरंतर हमारे साथ में छलावा किया जा रहा है। जबकि हमारी जो प्रथम नियुक्ति दिनांक है 1998 से शिक्षा कर्मी संघ का गठन हुआ, लेकिन सरकारों ने अपने लाभ के दायरे में कहीं अध्यापक बना दिया तो कहीं राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया, जिसमें हमारी जो प्रथम नियुक्ति है उसकी वरिष्ठता हमारी शून्य कर दी गई और 1 जुलाई 2018 से हमको राज्य शिक्षा सेवा के कर्मचारी माना गया। इसके कारण क्या हुआ कि आज हमारे जो साथी रिटायर हो रहे हैं उनको ग्रेजुएटी की राशि का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, पेंशन की तो बात बहुत दूर है, पेंशन तो इन्होंने समाप्त ही कर दिया। आज कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो 500-700 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है। इस महंगाई के दौर में 500-700 हज़ार रुपये में घर परिवार कैसे चलेगा, यहाँ तक कि हम अपना इलाज भी नहीं करा सकते उतने में। इन सब मुद्दों को लेकर के पुनः हम पेंशन हमको मिले
हमारी प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता मानी जाए, क्रमोन्नति का जो लाभ हमको दिया नहीं जा रहा है वो क्रमोन्नति का लाभ हमको मिले। हमारे साथी 12 साल की सेवा हो गई, 24 साल की सेवा हो गई, क्रमोन्नति का लाभ मिल नहीं पा रहा है। इन सब कारणों को लेकर के हम ब्लॉक स्तर पर धरना कार्यक्रम और राजेगांव पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मंगोली में शनिवार की शाम एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल एक 62 वर्षीय बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम थाना वारसुनी ग्राम बुदबुदा निवासी 62 वर्षीय आसाराम पिता बलराम राहंगडाले बताया गया है, जिसके शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुदबुदा निवासी आसाराम अपने समधी युवराज राणा के साथ अपने नाती अनय कुमार का उपचार कराने के लिए मोटरसाइकिल से गोंदिया गए हुए थे, जहां से वे वापस लौटते समय राजेगांव मंगोली में किसी अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने उनकी मोटरसाइकिल को ठोस मार दी, जिससे मोटरसाइकिल में सवार सभी लोग घायल हो गए। वहीं आसाराम राहंगडाले इस सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनकी शनिवार की रात उपचार के दौरान मौत हो गई। उधर अस्पताल से तहरीर मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। मजाफो 174 के तहत मार्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया, जहां रविवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनभिरी स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र में शिक्षक दिवस के एक दिन पूर्व 4 सितंबर को शिक्षकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने प्रजापिता परमेश्वर के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात शिक्षक शिक्षिकाओं का तिलक वंदन कर ज्ञाना निर्मित पेन वरदान कार्ड व प्रसाद देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षक के महत्व के बारे में जानकारी दी गई और कहा गया कि गुरु ही हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर हम अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। कार्यक्रम करवाए गए थे आज। आज के कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि हम सब आपस में मिलकर जो सबके अंदर विशेषताएं हैं, जो परमात्मा ने हम सबको गुण दिए हैं, जब आपस में हम सब मिलते हैं और आध्यात्मिकता का चिंतन मनन करते हैं, ऐसा लगता है कि हम किसी से कम नहीं है। स्पेशलिस्टी है सबके अंदर, वो दिखाई देती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर बच्चे के लिए प्रथम वो माँ होती है, लेकिन स्कूल में जिन्होंने पढ़ाया, जो हमेशा आगे बढ़ाया, शिक्षकों के लिए खास हमने कार्यक्रम रखा था ताकि उनको भी खुशी हो, उनको भी ये महसूस हो कि हमारे लिए भी कोई अच्छा सोच रहा है, हमारे लिए भी कोई व्यवस्थाएँ की गई। और इन बहनों ने हमारे लिए जो सम्मान दिया है, ऐसा ऊँचा सम्मान पाकर वो बहुत खुश हुए। खुशी को ही देख करके हमें ऐसा लगा कि आज का दिन हमारा सफल। और कार्यक्रम भी कराए गए कुछ, बस लगभग यही सम्मान समारोह था, उसके साथ कुछ कल्चरल। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिले सहित बालासुनी में हो रहे नगरागमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल, ग्रामीण मंडल व खैलांजी मंडल विरोध करेगा, जिसके लिए तीनों ही मंडल की एक संयुक्त बैठक 4 सितंबर को पवार मंगल भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में तीनों ही मंडल के अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपाई और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर श्री चौहान के वारासुनी व रामपाली दौरे के दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल की उपस्थिति को लेकर कार्यक्रम से दूरी बनाकर विरोध करने का निर्णय लिया गया। साथ ही श्री जायसवाल को प्राप्त कैबिनेट मंत्री का दर्जा वापस लेने की भी मांग प्रदेश सरकार से की है। इस संबंध में पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने पद्मश्री 247 को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश मंत्रिमंडल में हमारे जिले से नानू कावरे को मंत्री, हमारे नेता गौरीशंकर बिश्न को प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष प्रदेश सरकार ने बनाकर उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। वहीं बारासुनी विधायक प्रदीप जायसवाल को भी जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जिसमें प्रदीप जायसवाल से कैबिनेट दर्जा वापस लिया जाए। श्री जायसवाल ने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है के द्वारा हमेशा से ही आरएसएस को गाली दी गई, ऐसे व्यक्ति को कार्यक्रम में क्यों बुलाना और उन्हें कार्यक्रम में क्यों शामिल करना चाहिए, यह बात हमें बताई जाए। श्री निर्मल ने कहा कि पूरे विधानसभा चुनाव में श्री जायसवाल के द्वारा भाजपा का विरोध कर हमारी रीति नीति को कोसा गया। हम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे, हम विधायक जायसवाल का विरोध कर रहे। रही बात मुख्यमंत्री के आदर सत्कार की, तो हमारे द्वारा कई बार उनका सम्मान किया जा चुका है, इस बार लेकिन नहीं करेंगे। न तो हम बालाघाट के कार्यक्रम में शामिल होंगे और न ही बारासुनी के। हम लोग अपने अपने घरों में रहकर काला झंडा लगाकर कार्यक्रम का विरोध करेंगे। वापस ले,
उनको तत्काल शिवराज जी को अपने कैबिनेट जो दर्जा दिया है वो वापस लेना चाहिए, ये हमारा अनुरोध है। और इसी बात को लेकर के और हम पूरे कार्यक्रम का में से हमारे कार्यकर्ता अनुपस्थित रहेंगे। आज हम सब लोग काली पट्टी बांधकर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आगमन होगा तो बीजेपी की क्या गतिविधि रहेगी कार्यक्रम? गतिविधि वो बालाघाट वाले देखेंगे, वाराणसी वाले तो बता दिए ना, अनुपस्थित रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। दादा रामपाली में भी कार्यक्रम है तो बीजेपी वाले जाएंगे वहाँ? नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारा हेडगेवार जी से कोई विरोध नहीं है, वो काम को तो हमने शुरू किया, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, सरपम हमने किया। और ये तो आरएसएस को गाली बकता था, आरएसएस को गाली बकने वाला आदमी, इसके निकालेंगे हम सब, अभी खंगालेंगे, ठीक है कि नहीं? कल के कार्यक्रम का किस प्रकार से बहिष्कार करेंगे आप लोग? अब वो अपन ने बता दिए ना, झंडे लगाएंगे अपन अपने घर पर, बिल्कुल सब पदाधिकारियों को हम बोल रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि सब अपने घर में, अभी सब ने काली पट्टी बांधे ही रहे, कोई बाकी नहीं है, और कल लगाएंगे हम काला झंडा। कल क्या सीएम के स्वागत के लिए फिर बीजेपी? नहीं नहीं, हमने बहुत स्वागत किए सीएम का, आज भी हमारे हृदय में, हम उनका स्वागत फिर कर लेंगे, कभी स्वागत करने के ढेर अवसर आएंगे, पर कल नहीं करेंगे उनका स्वागत। वही वरिष्ठ भाजपा नेता छगन हनवत ने पद्म 24/7 से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का बालाघाट जिले के साथ ही वाराणसी विधानसभा में भी आगमन है। जिले में हो रहे आगमन को लेकर हमारा जिला संगठन तैयारी कर रहा है, लेकिन वाराणसी विधानसभा में किसी भी भाजपाई को अगुवाई की कोई सूचना व निर्देश नहीं है। श्री हनवत ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज कर वाराणसी आ रहे हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम का विरोध करते हैं। श्री हनवत ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदीप जायसवाल के साथ मंच भी साझा करने वाले हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। बालाघाट जिले में आगमन है और वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में भी आगमन है। बालाघाट का जो हेडक्वार्टर में आगमन है उसकी तैयारी तो बालाघाट का जिला संगठन कर रहा है, लेकिन वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को, मंडल अध्यक्ष को और हमारे यहाँ के क्षेत्र के नेतृत्व को किसी को भी किसी प्रकार की ऐसी कोई अगवानी की सूचना नहीं और अगवानी करने के कोई निर्देश नहीं है। चूँकि यदि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके यहाँ पर आ रहे हैं तो उनका इस कार्यक्रम का भारतीय जनता पार्टी का के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, और जिसके साथ में वो मंच साझा करने वाले हैं, जिसके साथ में प्रदीप जायसवाल के साथ में इस पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि प्रदीप जायसवाल ने अभी पूरे पंचायतों के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध किया है और हमें बहुत कष्ट भी हुआ इस चुनाव में, चुनाव लड़ने में बहुत परेशानी भी हुई, और इस बात के लिए हम उसका घोर विरोध करते हैं। हम किसी भी कीमत पर कल के कार्यक्रम में हमारे कोई भी कार्यकर्ता नहीं जाएंगे और इसी रूप में इसका विरोध करेंगे। वहीं नगर मंडल अध्यक्ष दीप चौहान ने बताया कि हमारी यह बैठक मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर रखी गई थी, क्योंकि इस आगमन से हम लोगों में असंतोष है, जिस पर संगठनात्मक चर्चा की गई है, जिसमें हमारे वरिष्ठों के द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि हम इन कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे और विरोध के स्वरूप अपने अपने घरों में काले झंडे लगाएंगे। विरोध हमारा जो वर्तमान में हमारे निर्दलीय विधायक, जिन्होंने हमें हमेशा आज तक हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है राजनीतिक, उनके विरोध में ही लड़ी है, और उन्होंने हमारे कैबिनेट में दर्जा प्राप्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो, और उन्होंने अभी फिलहाल में पूरे जनपद क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में और नगर पालिका क्षेत्र में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा है। हमारी शिवराज जी से यही मांग है कि वो कैबिनेट से उनका दर्जा हटाएं और इसी विषय को लेकर हम लोग इस कार्यक्रम का बायकॉट करें। आपको बता दें कि पिछले दिनों विधायक गौरीशंकर बिसेन ने भाजपा कार्यालय में संबोधित करते हुए प्रदीप जायसवाल का नाम लिए बगैर ही कहा था कि निर्दलीयों को नहीं मिलेगा कमल का निशान। तो पूरे दिन आग के लिए काम कर पूरा अपना सूरज पश्चिम से निकल जाएगा, लेकिन आपके वाराणसी के उस नेता को जो धन और दौलत शराब के भरोसे हमारी पार्टी को गुमराह कर रहा है, कमल का फूल नहीं मिलेगा, ताली बजाओ नहीं मिलेगा, खड़े बजाओ नहीं मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को लेकर नगर की कराते में ब्लैक बेल्ट जयश्री प्रकाश सोनवाने बालिका युवतियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है।
ताकि वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। देशभक्ति और जनसेवा के क्षेत्र में जाने की ललक और जुनून को पाले जय श्री प्रकाश सोनवाने ने पहले आत्मरक्षा के लिए स्वयं कराते प्रशिक्षण लिया और जब वह ब्लैक बेल्ट हो गई तो वह अपने ही जैसे ही न जाने कितनी महिलाओं, बालिकाओं और युवतियों को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण देने में जुट गई है। भले ही हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, लेकिन आज भी बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं के साथ बढ़ रहे अत्याचार कम नहीं हुए, क्योंकि वहां अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रही। जबकि आज महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए स्वयं तैयार कर रहना होगा, ऐसे में बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं को निःशुल्क कराते का प्रशिक्षण दे रही जयश्री सोनवानी का मानना है कि हमें कभी विपरीत हालात से घबराना नहीं बल्कि आत्मरक्षा करनी है, ताकि वह स्वयं को इस परिस्थिति से बाहर निकाल सके, जिसके लिए प्रति रविवार व रविवार को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है। सर, मैं पहले से ही मतलब पुलिस प्रशासन में जाने की मेरी तैयारी थी। महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से उनको सशक्त बनाना मेरी पहली प्राथमिकता थी। मैंने कराटे ज्वाइन किया 2017 से और मैंने कंटिन्यू किया, ब्लैक बेल्ट हुई कराटे में। और महिलाओं को, बालिकाओं को विशेष रूप से मेरा ये निःशुल्क प्रशिक्षण चलता है, घर पर ही देती हूँ हर संडे को मेरा निःशुल्क प्रशिक्षण। और मेन आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना है मेरा उद्देश्य, कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयर करना है, मेंटली प्रिपेयर रहे महिलाएं, और जो भी दुर्घटनाएं महिलाओं के साथ में जो अपराध होते हैं उनसे सतर्क रहे, और कुछ सेल्फ डिफेंस की कुछ टेक्निक्स उनको सिखाती हूं। पत्रकारों के साथ की गई अभद्रता वाला मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय पत्रकारों के द्वारा विधायक गौरीशंकर बिसेन के प्रेस वार्ता और कार्यक्रमों का लगातार बहिष्कार किया जा रहा है। इसका एक नजारा शनिवार की तरह रविवार को भी नगर में देखने को मिला, जहां स्थानीय पत्रकारों ने शनिवार की तरह ही रविवार को सर्किट हाउस में आयोजित विधायक गौरीशंकर बिसेन की पत्रकार वार्ता का एक बार फिर बहिष्कार कर दिया, जिन्होंने न सिर्फ भाव की पत्रकार वार्ता का बहिष्कार किया, वहीं मुख्यमंत्री के नगर आगमन पर जगह जगह आयोजित किए गए कार्यक्रमों का भी बहिष्कार किए जाने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि समस्त पत्रकार विधायक के अभद्र व्यवहार से काफी ज्यादा नाराज है, जिन्होंने विधायक बिसेन के इस कृत्य की जमकर निंदा करते हुए विधायक बिसेन से माफी मांगने के लिए कहा है। जहां ज्यादातर पत्रकारों का मानना है कि विधायक बिसेन जब तक पत्रकारों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनकी नाराजगी दूर नहीं होगी। बहरहाल पत्रकारों से की गई अभद्रता वाला यह मामला कब तक सुर्खियों में बना रहता है फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन पत्रकारों के द्वारा विधायक बिसेन की प्रेस वार्ता का लगातार बहिष्कार किए जाने का यह मामला केवल जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। पत्रकारों से की गई अभद्रता वाले इस मामले को लेकर पत्रकारों ने कलेक्टर बंगले के सामने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रविवार की शाम एक बैठक का आयोजन किया, जहां उपस्थित पत्रकारों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। जहां कुछ पत्रकारों ने केवल विधायक गौरीशंकर बिसेन की प्रेस वार्ता कार्यक्रम और आयोजन का बहिष्कार किए जाने की बात कही, तो वहीं ज्यादातर पत्रकारों ने विधायक बिसेन के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नगर आगमन पर जगह जगह आयोजित किए गए कार्यक्रमों का भी बहिष्कार किए जाने का तर्क दिया। सामूहिक तौर पर विधायक बिसेन के साथ साथ सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों का भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। स्थानीय पत्रकारों के द्वारा विधायक गौरीशंकर बिसेन के लगातार पत्रकार वार्ता का बहिष्कार करने के राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यहां पत्रकारों से की गई अभद्रता का यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी जमकर गूंज रहा है। इस मुद्दे पर जहां विपक्षी सभी दल चुप्पी साधे हुए हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष में इस मुद्दे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि केवल बालाघाट ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में रविवार को बहिष्कार का यह मामला दिन भर गूंजता रहा। वहीं सूत्र बताते हैं कि खुफिया तंत्र के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी प्रदेश शासन तक पहुंचा दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पत्रकारों के इस बहिष्कार की सूचना पहुंच चुकी है, जिससे सत्ता पक्ष में हड़कंप मच चुका है। शायद यही वजह है कि सत्ता पक्ष के लोग वरिष्ठ पत्रकारों से दूरभाष पर लगातार संपर्क कर इस मुद्दे को किसी भी तरह शांत कराने में जुटे हैं, लेकिन बहिष्कार का यह मुद्दा शांत होने की जगह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वाराणसी नगर के दीनदयाल चौक में फ्लैक्स में लगी फोटो को लेकर विधायक जायसवाल समर्थकों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं में कहासुनी हो गई, जिस पर विवाद बढ़ता देख पुलिस के द्वारा बीच बचाव किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर नगर में फ्लैक्स और होर्डिंग्स लगाई जा रही है, जिसमें नगर पालिका का एक फ्लैक्स बनाया गया, जिसमें विधायक प्रदीप जायसवाल समर्थित निर्दलीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पार्षदों की फोटो लगाई गई थी, जिनके साथ ही भाजपा के नव निर्वाचित 5 पार्षदों की भी फोटो लगी थी, जिसको लेकर भाजपाइयों के द्वारा विरोध कर फ्लैक्स लगाने वालों से चर्चा की गई। इस दौरान विधायक जायसवाल के कार्यकर्ता एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी विवाद में तब्दील हो गई।
इसी बीच मौके पर मौजूद पुलिस बल ने दोनों दलों को दूर कर बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया।